सो गाइस ये स्कोडा की कुशाक की कल डिलीवरी है एंड अभी पीडीआई के लिए जिकार्डो से रमन भैया आए हैं। तो वैसे बाहर से तो चेक कर लिया बट अभी टायर्स का एक बारी थोड़ा बहुत देख रहे हैं एंड जैसे जैसे सर्विसेज आगे बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बताता रहूँगा। तो अभी बेसिकली ट्रेड चेक हो रहा है कि कितना घिसा हुआ है कितना नहीं है। तो अभी तक क्या रिपोर्ट है भैया? सर एकदम ओके है अभी तक। अच्छा अभी तक ठीक है सारा। चलो बाकी जैसे जैसे आगे प्रोसेसेस हो गए तो मैं कवर करता रहूँगा, तो बने रहना भाई वीडियो में। ये भैया पेंट क्वालिटी चेक कर रहे हो आप? अच्छा तो क्या पता लगता है मतलब इससे एग्जैक्टली? सर इससे पेंट की थिकनेस पता लगती है, मैटर से पेंट कितना। अच्छा मतलब कि फेड हुआ या नहीं ये सब? थिकनेस कितनी है जो हमारी ओईएम करके देता है वो 100 to 120। रीपेंटेड होगा तो 150-200 तक हुआ। और अभी कितना दिखा रहा है इसमें? 73-74 आ रहा है इसमें। अच्छा 100-110 इतना रहता है। तो ये सारा मतलब अभी जेन्युइन ही है? हाँ जी जेन्युइन है। जैसे धूप में गाड़ी खड़ी रहती है पेंट उड़ जाता है तो वो भी दिक्कत फिर इसमें? अच्छा कम चांसेस है। अच्छा ठीक है। पूरी साइड से रिपेंटेड थी नई गाड़ी? नई गाड़ी रिपेंटेड थी पूरी। वही मेजर चेक करना होता है बार क्योंकि स्टॉक यार्ड से दूर दूर से आती है गाड़ी। अच्छा तो कोई पैनल रिपेंटेड ना हो। अच्छा सो गाइस हमारा जो पर्टिकुलर मॉडल था ये 30-40 दिन से स्टॉक यार्ड में खड़ा था गुड़गांव में धूप के अंदर खड़ा हुआ था। तो एक बारी बोनेट का पेंट भी चेक कर लेते हैं। क्या रिपोर्ट है भैया? एकदम सही है 95 तक आ रहा है बोनेट। 95 तक आ रहा है। एक बार थोड़ा इधर को भी मोड़ के दिखाना रीडिंग ज़्यादा ताकि 95 ठीक है। ये स्क्रैचेस है? नहीं अच्छा मिट्टी है सारी। अच्छा अच्छा ये क्या क्या चेक करे भैया आप? सर इंटीरियर सारी लाइट्स वगैरह बिडिंग्स वगैरह सीट बेल्ट ये सील चेक करे भैया सारी। अच्छा ओके सर पूरा एप्पल कार प्ले चल जाता है। अंडर तक ये बोल सी कनेक्ट होगा ना? तो ठीक है फिर तो इसमें बाहर से स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। अच्छा पैकेज है इस वाले वेरिएंट में। तो भैया सारा स्टीरियो भी चेक हो रहा है एक बारी एंड एक एक चीज़ें चेक कर रहे हैं भैया। स्पॉटिफाई दरवाजे बंद कर लो शीशे बंद कर लेता हूँ एक बार। सो गाइस यहाँ पे स्पीकर्स चेक हो रहे हैं तो कॉपीराइट आ सकता है इसलिए मैं बंद कर देता हूँ वीडियो। सो गाइस अब सारे ब्लोअर्स चेक हो रहे हैं कि करके कि कूलिंग पूरी है या नहीं क्योंकि पुरानी स्कोडा में थोड़ा इशू होता था एसी का बट लेकिन इसने तो ठंडा कर दिया है। आजकल इशू आ रहा भी है स्कोडा में कूलिंग का? नहीं आ रहा ना भैया एक बारी पैसे खर्च करो बढ़िया चीज़ ले लो। तो मोड्स वगैरह भी चेंज करके देख रहे भैया। ठीक है भैया रबड़ इसकी? हाँ इसकी रबड़ काफ़ी ठीक है। इससे पहले जो मैं अभी कार करके आया हूँ हाँ रबड़ यहाँ से जैसे कटी हुई थी। अच्छा कटी हुई थी तरफ से मतलब नॉर्मली लोग देखते नहीं है ध्यान नहीं देते। हाँ हाँ नई कार की एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल कटी हुई थी काफ़ी। अच्छा इसके ठीक है चलो। सो गाइस मेन चीज़ पे आ चुके हैं इंजन पे एंड क्योंकि स्टॉक यार्ड में खड़ी थी तो चूहे चले हुए हैं काफ़ी सारे। बाकी भैया भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो देखते क्या निकलता है इसमें। टर्बो इंजन है 1 लीटर 130 PS पावर है तो पावरफुल तो काफ़ी है। बाकी लेट्स सी ऑयल लेवल और क्वालिटी। भाई एक्चुअल चेक हो रहा है कि जंग वगैरह तो नहीं है कुछ रस्टिंग।
इसमें है क्या भैया हल्की फुल्की रस्ते नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो बारिश अभी हुई थी ना तो। अच्छा, बारिश यार। आईफोन की क्वालिटी तो बहुत बढ़िया भाई, पूरा अंदर तक दिखा दिया इसने अभी। स्टीरियो तो पूरा सही चल रहा है। अब इसमें ओबीडी स्कैनर वगैरह लगा के भी करते हो? हाँ जी सर, अभी लगाएंगे ओबीडी स्कैनर। अच्छा, क्योंकि एक्चुअल रिपोर्ट तो उसमें ही शो कर देगा ना सारी चीज़। ये ऊपर नीचे की हो रही है मोड़ने पे स्टीयरिंग काटने को? तो एक जगह पे खड़ी है ना। अच्छा अच्छा। और भैया मैनेजर भाई साहब ने रुकी कर रखा, हमें नीचे ही बैठे हुए वीडियो बना रहे हो सर, काम करने नहीं दे रहा, खुजली करे जा रहा है। तो यार स्कॉडा से ये उम्मीद नहीं थी कि छत ऐसी देखे, देखो मतलब भाई कैसा कपड़ा है ये, पैंटों में लगता है कपड़ा, देखना रिंकल्स कैसा आ रहे मतलब ये छत की क्वालिटी यार इनकी पता नहीं। पर लेकिन हाँ ये कि ऊपर की बॉडी तो टफ है ही, एंड ये बटन्स देखो आप, एकदम चीप प्लास्टिक यूज कर रखा है। अभी इसमें ओबीडी स्कैनर लगा हुआ है? हाँ जी। अच्छा, सर्विस सेंटर्स पे भी होता है ऐसे वाला स्कैनर तो? इस वाले सॉफ्टवेयर से क्या क्या पता लग जाएगा इसमें? इंजन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितना भी काम कर रहा है। हाँ हाँ, थैंक यू। और कोई भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, अगर किसी में भी कुछ भी फॉल्ट हुआ, अच्छा, वो ईसीयू को मैसेज ट्रांसफर कर देते हैं, वो इसमें ओबीडी स्कैनर में डिटेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट आ जाएगी फिर पूरी जनरेट होके। यस ठीक है। सो गाइस, इनकी कुशाक मोंटी कार्लो डिलीवर हो रही है, डिलीवरी के बाद चेक कर रही है, तो बेटर ये है कि भाई पहले चेक कर लो। हाँ जी हाँ जी, कितना भी डायग्नोस्टिक कर लो तो भी ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दो मिनट नहीं आए तो दो दिन बाद आई हो मतलब दिमाग की दही कर दी भाई इस बंदे ने लिटरली। एंड ये वीडियो मैं किन्नौर के बीच में डाल दूंगा, क्योंकि अब गाड़ी की डिलीवरी है तो फिर थोड़ा ब्रेक आ जाएगा, हो सकता है कि दो एपिसोड्स रह के वो भी आ जाए, बट आई विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड्स में डाल दूँ। एंड मोंटी कार्लो भाई जा रही है अब, हर अपनी एक्टिव रेडी हो रही है कल जाने के लिए। तो भाई इन लोगों की डिलीवरी है और देख लो कैसे चेक कर रहे हैं गाड़ी की एक चीज़ें, इसलिए मैंने सोचा कि जिकार्दो पे एक बार ही कॉल कर लूँ। एंड भाई एक चीज़ बता दूँ, पेड प्रोमो नहीं है बिल्कुल भी, अभी भैया को 2500 रुपये पूरे कैश में दूंगा तो वो भी दिखा दूंगा। तारीफ नहीं कर रहा, बस ये बता रहा हूँ कि आपको यार जागरूकता एक तरह की कि भाई अवेयर रहो इन चीज़ों से, कि क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और कुछ कंपनीज तो है जो एक्सीडेंटल गाड़ियाँ भी रिपेयर करके दे रही है, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। बाकी तो भाई को देख लो, अब डिलीवरी वाले दिन याद आया कि गाड़ी चेक भी करनी होती है। टॉर्च मार रहा है अब गाड़ी पे, अब नहीं दिखेगा ऐसे कुछ, अब तो शोरूम वाला भी करेगा भाई ले जाओ इसको। सो गाइस, रिपोर्ट आ गई थी, उसमें सब कुछ ओके था, एंड ये मेरा टोटल बिल था। सो गाइस, दिस इज़ द रिपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम जिकार्दो, एंड ये पेड प्रमोशन नहीं है। मेरी कार 30 दिन से स्टॉक यार्ड में थी, इसलिए मैंने स्कैनिंग करवाई थी, बाकी आपकी मर्जी है आप करवाना चाहो तो। एंड आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।